कैसे हैं आप लोग? तो आज हम खेलने वाले हैं आइसक्रीम थ्री। हाँ, आइसक्रीम थ्री हार्ड मोड पे खेलूँगा मैं अब। और हाँ, ये जो नीचे फेस दिख रहे हो, मेरा ही फेस है, एनिमेशन के साथ है, तो देख लेना। तो ये मोटी है और वहाँ पे वो मोटा है। ये जुलाई 1983 की बात है, मतलब बहुत पीछे की बात है। तो इस बार सबको बचा लेना है, वन फॉर ऑल आइसक्रीम थ्री, मज़ा आएगा। तो चलिए सबसे पहले, नौ हर बार है ना खिड़की से नीचे जाते हो, बोर हो गए तो सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। तो पहले सबसे पहले की ढूंढनी होगी, होम की। तो होम की यहाँ टीवी के पास नहीं है, किचन में होगी कहीं ना कहीं। किचन में हाँ, मिल गई है रही। अब इस की को ली, अब बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। अभी आइसक्रीम वाला की आवाज़ आ रही है, वो रहा आइसक्रीम वाला, रॉड गाना गा रहा है। अबे इसको तो मना कहा था ना कि मत जाना रोड के पास, तो भी इसको चला जाना है। You tell me, sweet little boy. Yes, you. I know you have Liz, and I want you to release her. Liz? जब वो बोल रहा है कंफ्यूज है, confused, तो होगा तू ही कंफ्यूज। No, I know it's you. वो है ना, तुझे ना मार डालेगा वो। वो तुझे जमा डालेगा लिस की तरह। चला जा। अब तेरी इस गन से उसका भेजा फ्राई करेगा, उसे एक हाथ में करते तू वो तेरी गन कहाँ गिर जाएगी, पता नहीं चलेगा। ए हट जा। पकड़ लिया ना, कहा था ना हट जा हट जा, पर बात तो माननी नहीं है तुझे। अब देखते हैं क्या करता है तेरे साथ, अब तुझे ही बचाना पड़ेगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला है तो आइसक्रीम ही खिलाएगा। ये वन टू थ्री खिला दी। आइसक्रीम खिलाई और क्या, आइसक्रीम तो टेस्टी भी लग रही है। हैं, चल गन उठा उसको मार। मोटा बन गया, मोटा बन गया रे तू। अब देखो मोटा आ गया हमारी लिस्ट में, वो मोटे की बहन। और मोटा तो था, अब ये भी आ गया। अब इसे ही बचाना पड़ेगा, अब तीनों को एक साथ बचा लूँगा इसके अंदर। तो चले, अच्छा वो आइसक्रीम वाले ने दिखा नहीं, आइसक्रीम वाले ने उसको भी पकड़ लिया। अब तो अब उसे ही बचाना पड़ेगा। सबसे पहले बाहर जाते हैं, अब उसकी गन लेते हैं ताकि ये लॉक खुल दे। हाँ, ये वन टू थ्री खुल गया लॉक। आइसक्रीम वाला गया, हेडशॉट गन से मैंने हेडशॉट मारी, वो भी बिना बुलेट के। चलो, इसके अंदर एक ये अपडेट अच्छा है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ उसके सिर पे मारोगे तो वो है ना चक्कर आ जाएंगे उसे। तभी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं और पहुँचते शॉपिंग सेंटर में, और शॉपिंग सेंटर से एक शॉवल लेना है हमें ताकि उसे गड्ढे खोद सकें हम। तो जल्दी से शॉपिंग सेंटर आ गए हैं और चलो बाहर निकलते हैं और एक दुकान ढूंढनी है जहाँ पर वो शॉवल मिलेगा। एक स्टैचू के साथ रखा हुआ है, एक स्टैचू के हाथ में है, और देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है वो दुकान, कहाँ पे है घूम लेते हैं पूरा, देख लेते हैं कहाँ पे है वो दुकान। हाँ वो रही, दिख गई। वो आ तो नहीं रहा ना मोटा, वो रोड आ तो नहीं रहा, नहीं हमारे पीछे, चलो नहीं आ रहा। चलो अभी दुकान फटाफट खोल लेते हैं। ये रही, ये हो गया, खुजा खुजा खुजा, और ये पूरी तरह से खुल गई, हो गई। अब चलो अंदर चलते हैं, रोड तो नहीं है ना। चलो अब ये रहा शॉवल, ये शॉवल लिया, और अब जाते हैं हम कैंपिंग साइट पे। अब जल्दी से वैन के अंदर चले जाते हैं और कैंपिंग साइट पे भी चले जाते हैं जल्दी, जहाँ पे शॉवल का काम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं कैंपिंग के ऊपर। तो ये आ गया कैंपिंग, नेक्स्ट स्टॉप कैंपिंग। चलो ये कैंपिंग पे आ गए, अब हमें गड्ढे खोदने हैं शॉवल से। तो ये गड्ढे यहाँ पे होते हैं कैंप के पीछे। ये रहा एक गड्ढा, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिखा तो नहीं उसने। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये रही की, एक ही चाहिए थी हमें। चलो उस की को लेके
ट्री हाउस पे जाते हैं, वहाँ ऊपर साइड है एक ट्री हाउस उसकी दूसरी तरफ, इस दीवार की दूसरी तरफ। तो यहाँ पे एक छेद है, या ये बोर्ड हटा के सबसे पहले क्रॉड दिख तो नहीं रहा ना। चलो ये है ट्री हाउस, इसके ऊपर हमें एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे हमें चार घोड़े लगाने हैं अलग अलग कलर के, तो हमें केज की मिल जाएगी। सबसे पहले ये ताला खोल देते हैं, और ये अंदर क्या है, यहाँ पे ड्रॉप है, हमें एक एक घोड़ा मिल गया, और यहाँ पे फायर क्रैकर्स होगी नीचे। तो ये यहाँ पे एक घोड़ा लगा दिया, यहाँ पे नीचे ये फायर क्रैकर्स, ये फायर क्रैकर्स हमें मेट्रो स्टेशन पे अभी काम लगेंगे। तो क्रॉड कहाँ पे है दिख नहीं रहा अभी, तो चलो नीचे जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे चल गए, अब क्रॉड नहीं है ना, अच्छा है नहीं है, तो जाते हैं बाहर, निकलते हैं, और ये लीज़ को ले लेते हैं सबसे पहले हमारे साथ। लीज़ यहाँ पे कैंप साइट कैंपिंग कैंप आग के पास है, फायर के पास है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम भूल गया इस एरिया को। चलो यहाँ पे आते हैं, क्या वो बाग के बाद कहाँ करना शुरू कर दिया, रुक क्यों गई वापस, लगता है उस तरफ जाना पड़ेगा उसके सामने। हाँ चलो Jay, पलटना शुरू it's कर दिया, you? तो What जल्दी happened the other जल्दी day? जल्दी बोल, How do you think of jumping जल्दी with a bear बोल running? जल्दी। हाँ द ट्रूथ इज Oh, कि सबसे so that फर्स्ट वाला was what ऑप्शन, Charlie wanted to tell me. जल्दी। Where is he? I mean, is he okay? आई केयर मोर अबाउट यू, थर्ड ऑप्शन। Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? वेल सेकंड ऑप्शन, We have to do something. थर्ड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। चलो I'll follow फॉलो you. मी, चलो अब इसे भी ले जाते हैं वैन के अंदर। अब इसको तो हमने बचा लिया है, अब इसके भाई की बारी है। अगर आइसक्रीम, ये आ रहा आइसक्रीम वाला, इसको हेड शॉट, बिना गन के हेड शॉट मार रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है इसके साथ खेलने में तो। और हाँ ये हार्ड मोड है, नॉर्मल मोड नहीं है, इसलिए ये भाग के आ रहा है। नॉर्मल मोड में ये चलता है पहले नॉर्मल। ये एक और हेड शॉट, जल्दी इस, तू गाड़ी में जा, रुक क्यों गई, चल गाड़ी में। तो गाड़ी में जाते हैं जल्दी, एलिज आ रही है ना, हाँ आ रही है, आ रही है। ये धीरे धीरे क्यों चल रही है, मोट वो रोड दौड़ने लग गया, पर ये अभी तक चल ही रही है। जल्दी आ इस कैम्प के ऊपर से, इस गाड़ी में जा, कैम्प के ऊपर चढ़ गई, हाँ गाड़ी में जा, गाड़ी में जा, जा जल्दी जल्दी जा, चल चली गई। और हम भी आते हैं, और हम और अब जाते हैं हम वापस वहीं पे, वहीं पे जाते हैं, क्या नाम था वो, हाँ मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो स्टेशन पे हमें काफ़ी चीज़ें करनी है। ये रहा रॉड, ये पुरानी स्टोरी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ये रॉड के हाथ में न्यूज़पेपर है, जिसके अंदर आइसक्रीम में, ये दिसंबर 1955 है, काफ़ी पुरानी स्टोरीज के हिसाब से चल रहा है। Please, you have to come back. Oh, this has an explanation, Rod. Rod? Well, in that case, I'll leave this to you. ये क्रॉड की It मम्मी ने has उसको been लेटर written तो by भेज your own दिया है, mother. पता नहीं ये क्रॉड अब उसका कैसे जवाब देगा। वैसे क्रॉड को स्टार्टिंग से ही ना अकेला बताया गया है इसके अंदर, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको पता किया है ना इस गेम की रिसर्च के ऊपर, तो इसको है ना इवल नन ने पाला है। हाँ इवल नन ने, इस गेम के अंदर शायद आगे बताएंगे इवल नन को भी। यहाँ पे ये हेलमेट पहन के बैठा है, ये लिस को भी ले आए हम। अब यहाँ पे वो फायर क्रैकर पड़े ना मेरे हाथ में, हाँ फायर क्रैकर है मेरे पास। अब हम जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे फायर क्रैकर का काम है हमें। तो क्रॉड पहले कहाँ पे देख लेते हैं, क्रॉड वहाँ आगे पे है, आगे साइड है, तो यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे ये फायर क्रैकर लगेंगे, फायर क्रैकर जैसे ही फूटेंगे तो ये भी हट जाएगा यहाँ से, और हम ट्रेन, ये हट गया, और ट्रेन की पटरी हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे एक हॉर्स है, जैसे ही हम हॉर्स को लेने जाएंगे ट्रेन हमारे ऊपर से चली जाएगी।
लेकिन पटरी चेंज करने से ना ट्रेन की डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जो कोड है 374 374, वहाँ ऊपर बोर्ड, वहाँ पीछे एक बोर्ड है जिसके 374 लिखा है, वो यहाँ पे लगेगा। ये रहा लीवर्स 3, ये 7 और ये 4, ये हो गया, ये पटरी हो गई चेंज। तो अब हाँ ये डायरेक्शन भी हो गया चेंज, अब हम आराम से जाके वो ले सकते हैं यहाँ पे। ये हाइड्रोलिक जैक, इसका हमें शॉपिंग सेंटर में काम है, तो सबसे पहले इस हाइड्रोलिक जैक को वहाँ ऊपर वैन में रख देते हैं, वो क्रॉड ना देख ले, वरना इससे ही हेडशॉट मारूंगा मैं उसे। तो सबसे पहले क्रॉड देख लिया उसने, देख लिया क्रॉड ने, जल्दी आ जा, हेडशॉट हेडशॉट, ये हेडशॉट, बच गया क्रॉड, मैं तो गया, बच गया मैं भी। जल्दी नीचे जाता हूँ मैं, क्योंकि नीचे मुझे अब तीन चीज़ें लेनी है, वो एक हॉर्स है, शूज़ है और कैप है। शूज़ और कैप मुझे एक होमलेस पर्सन को देने, मतलब एक गरीब को देनी है मुझे, और यहाँ पे वो आ रहा है नहीं आ रहा। तो पहले सबसे पहले हॉर्स ले लेते हैं, बैठते नीचे ये हॉर्स, जल्दी ये हॉर्स ले लेते हैं, वुडन ग्रीन हॉर्स, और जल्दी आ जाए आ जाए। ये ट्रेन यही गुजरी है हमारे पास से, अगर वो रिवर्स नहीं करते तो इस बीच वाली, वो बीच वाली पटरी से जाता जहाँ पे वो हमें मार देता वो ट्रेन। तो यहाँ पे वो बूट भी मिल गया हमें, सबसे पहले इसको रख देते ग्रीन हॉर्स को वैन में, इसके बाद बूट्स को लेंगे हम। तो जल्दी से चढ़ते हैं, और ये क्रॉड अभी हमारे पीछे आ रहा है, अब नहीं आएगा। सबसे पहले इसको अंदर रख देते हैं, और हेड और बूट्स ले आते हैं, ये अंदर गया। अब जल्दी से हेड हेड लेने जाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, क्रॉड अभी वैन में, वो ट्रेन में गया अभी के अंदर। अभी सबसे पहले यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, ताकि वो क्रॉड उस प्लेटफॉर्म पे चले जाए, और हम यहाँ से अंदर, उससे पहले ये गेट खोल लेते हैं ताकि हमें पता चले क्रॉड है या नहीं अंदर। तो यहाँ पे तो नहीं है क्रॉड, मतलब हेड, सबसे पहले हेड लेते, ये रही हेड। अब इस हेड को है ना उस वैन में डाल देते जल्दी, क्रॉड कहाँ गया पता नहीं कहाँ पे। अब जल्दी से वैन में चले जाते हैं हम, अगर क्रॉड आया ना तो इस हेड से उसे हेड शॉट दूंगा। हाँ लेकिन जो क्रॉड नहीं आ रहा है पीछे, अब इसको अंदर डाल देते हैं। अब ये भी गया अंदर, अब हमें लाना हो गया बूट्स। अब बूट्स के लिए नीचे जाना होगा जल्दी वापस, ट्रेन के अंदर ही है वो बूट्स, उसके अंदर। अब बूट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे अभी, तो जल्दी स्टेशन के अंदर जाते हैं। क्रॉड अभी नीचे गया है पटरी के ऊपर, देखना जब हम उसे, जब हम बूट उठाएंगे तब। चलो यहाँ से जाते हैं ताकि वो हमें देख ना पाए, यहाँ से जल्दी गेट खुल जाए। हाँ ये ट्रंक के अंदर है बूट्स, तो ये मिल गए बूट्स। अब जाते हैं वैन के अंदर, फिर हमें सर्कस भी जाना है, तो सबसे पहले चलो ऊपर चले जाते हैं। और इन बूट्स का तो हमें सर्कस के अंदर काम है, और इस हाइड्रोलिक जैक का हमें शॉपिंग सेंटर के अंदर काम है। तो यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन का तो काम ख़त्म हो गया, शॉपिंग सेंटर और क्या नाम था, सर्कस, इन दो जगह जाने के बाद हमें जाना होगा कैंपिंग साइट। सबसे जाते हैं सर्कस, और इस हैट और इस कैप, हैट हैट और बूट्स को हमें देने होंगे उस गरीब के, गरीब को देने होंगे हमें, ताकि जिससे वो हमें देगा शॉपिंग सेंटर में। एक मिशन भी उसे भी कंप्लीट करना है, बाइक वाला, मैंने कहा था ना इवल नन आई, इवल नन ने पाला है उसको, तो ये रही इवल नन, उसके हाथ में करोड़ है ये। This baby seems to have been born. I don't understand. So it's true. It is a miracle. A miracle. मिरेकल है, मिरेकल। सारे बोल रहे हैं मिरेकल। तो शॉपिंग सेंटर में आ गए अभी। वैसे जाने वाला तो मैं कैंपिंग साइड, सॉरी सर्कस में था, लेकिन यहाँ पे क्लिक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले बाइक वाला मिशन कम्प्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक जैक जाते हैं, और हमें वहाँ पर क्रॉड ने हमें देख लिया, कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा क्रॉड। तो सबसे पहले ये वो रहा मोटर शॉप, मोटर शॉप पे हमें जाना है, यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक का काम है, हाइड्रोलिक जैक से हेडशॉट दूंगा मैं, ये हो गया। अब उसके अंदर जाना है, वहाँ पे हमें एक बाइक मिलेगी, उस बाइक को चोरी करनी है हमें। तो सबसे पहले इसको लगा दिया, इसको लगा दिया, ये रही बाइक।
ब्रांड न्यू है। अब इस बाइक को हम रख देते हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को ये है ना, ये मिशन कंप्लीट करने के एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे बाइक को रख दीजिए और यहाँ से नीचे जाइए। मैंने ना इस बाइक वाले मिशन को है ना, बहुत सारे लोग हैं ना इस बाइक वाले मिशन में ना फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बाइक को ऊपर रख दीजिए और इससे बात करनी शुरू कर दीजिए। तो हमें मैं शुरू करता हूँ बात करना। यहाँ पे शॉपिंग, ये गार्ड है जो जिसकी यहाँ काम करने को बोर हो गया है, तो ये बोला कि मैं और वो आइसक्रीम वाला बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहे, तो पुलिस को बुलाओ। तो वो मैं बोल देता हूँ हाँ। तो ये बोलता है कि वैसे मैं तो अपनी इस जॉब से बोर हो गया हूँ और तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो अब देखते हैं क्रोड में देख रहा है या नहीं देख रहा, क्या क्या बात है। और ये बोल रहा है कि मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो तू मैं जो चाहिए वो यहाँ से ले लेना और मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट करने दो, एंटरटेनमेंट मुझे करा और जो चाहे वो ले जाओ, ताकि वो मुझे सस्पेंड कर दे इस जॉब से और मुझे इस जॉब से राहत मिले, आराम मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं क्रोड है या नहीं, फिर उसके सवाल के जवाब दे देते हैं और पूरे मॉल में उस बाइक लेके घूमेंगे। लेकिन रियल में तो हमें बाइक लेके घूमना है, लेकिन हम जाएंगे पैदल ही, जिससे हम और जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कर दिया स्टार्ट, क्रोड आ रहा है ना हमें पीछे, ये आ गया, एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन, और ये चार। अब बाइक लेके हम जाने हैं, बाइक लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे ना ये लंबा डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो ये बाइक फटाफट कवर कर लेगी। अब यहाँ आगे जा, अगर यहाँ पे अगर आपकी बाइक अटक जाती मेरी तरफ, तो आपको भाग लेना है। हाँ, अब आगे आपको बाइक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फटाफट कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं होगा अभी। अगर आपको बाइक संभालोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मेरी तरह ऐसे भाग के करो। जल्दी से सब सारे कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब हाँ, ये भी कलेक्ट कर लिया, ये भी। आप देख सकते हो कैसे टर्न आ रहा है, और वो बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे तो यहाँ पे 27 सेकेंड, 26, तो ये भी आ गया 24। और अब आगे जाते हैं जल्दी जल्दी, ख़त्म होने वाला है टाइम भी, 18 सेकेंड रह गया। ये भी कलेक्ट कर लिया, ये भी, अब कुछ ही बाकी है। अब इसे भी कलेक्ट कर लिया, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये हो गया कंप्लीट। अब ये हमें एक वो हॉर्स किट, हॉर्स देगा, ये रहा हॉर्स, ये वुडन रेड हॉर्स। तो इस रेड हॉर्स से इसको हेडशॉट दूंगा मैं। और हम जाएंगे वैन के अंदर, अब वैन से हम सर्कस में जाएंगे। तो जल्दी चले जाते हैं हम। वैसे ये गेम हार्ड मोड में खेलना सच में हार्ड है। अगर आपको ये हेडशॉट मारने आ गए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा ये गेम। सबसे पहले जाते हैं सर्कस में। अब उस गरीब को है ना हेड, हैट और बूट्स, ये दोनों चीज़ें देनी होगी। अब ये सर्कस में आ गया है, तो अब जल्दी से ढूंढते हैं। उस टेंट के अंदर रहता है वो होमलेस पर्सन। तो सबसे पहले ये आ गए हम यहाँ पे, ये डोर खुलता है। अब हेड बूट्स ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ वो यहाँ पे घूम रहा है, तो कोई बात नहीं, हेडशॉट दे देते उससे। तो ये हेडशॉट हो गया, और यहाँ पे वो मोटा भी मिलेगा हमें, लीज का भाई। तो सबसे पहले उस भाई को ले लेते हैं हमारे साथ, और उस इवेंट में डाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता आएगा। तो सबसे पहले उससे ही ले लेते हैं। तो वो यहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर है, एक कार्टन बॉक्स के अंदर छुपा हुआ, तो वहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर है। तो लोग देखते हैं, अब इससे भी बात करनी पड़ेगी हमें, जैसे लीज से की थी। तो अब चलो ये रहा। हाँ जी, इज दैट यू? What happened? How did Rod capture Liz? Okay, I'm not afraid yes. of that stupid ice cream maker. Second option. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. As you mentioned, well, you mentioned that well, third option. Yes. What can I do for you? Follow me. Yeah, let's go.
तो चलो इस मोटे को ले लिया है। मेरे पास अभी भी वो शूज़ है, अगर वो मोटा, अगर वो क्रॉड हमारे सामने आया वो रॉड, तो उसे हेडशॉट दे देंगे बूट से। तो हमें ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं है अभी उस रॉड से, तो जल्दी से ये मोटा आ जाए। लीस का भाई, तो इसका नाम भी बताया था पर वो मैंने पढ़ा नहीं, तो जल्दी से वो ये आ जाए। अब देखते हैं कहाँ पे वो मोटा, मतलब वो क्रॉड, अब इसे जल्दी से आ जाए ना। ये जल्दी चलता क्यों नहीं, धीरे धीरे तो चलता है ये, तो जल्दी से चल। हाँ चला रहा है ये भी, तो देखते हैं यार अभी भी। अब क्रॉड, वो रॉड, रॉड दिख रहा है क्या? नहीं ये दिख रहा, ये भी आ रहा है रास्ते में है, ये भी बहुत धीरे चल रहा है ये, तो कोई बात नहीं। वो हम जाएंगे सर, इसको सबसे पहले वैन के अंदर बिठा देते हैं, ताकि ये अपनी बहन के साथ, बहन को, अपनी बहन को कंपनी दे, बहन को। तो ये चला गया, जल्दी से जल्दी आ अबे मोटे। तो ये आ गया, तो जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। आइसक्रीम वाला नहीं है यहाँ पे अभी, जल्दी आ जा, जल्दी आ। चलो तो अब इस, ये भी वैन में बैठ चुका है। अब हम बूट्स और हैट उस गरीब को देने वाले हैं। वो रॉड अभी तक दिखा नहीं है हमें, अच्छी बात है। तो सबसे पहले ये रहा वो गरीब, सोया हुआ है, उसके हाथ में की है। जब तक उसे हम शूज़ और हैट नहीं देगा तब तक वो हमें की नहीं देगा। सबसे पहले ये शूज़ दे दिए, अब हैट की बारी है। अगर अब वो हमारे सामने आया तो हेड से हेड शॉट दूंगा मैं उसे, हेड से हेड शॉट। जितने ज़्यादा डायनामो और मोटल और बाकी सब जो गेमर्स होते हैं उतने हेड शॉट नहीं देते गेम के अंदर, जितने मैं दे रहा हूँ इस गेम के अंदर उसे, उस रॉड को। तो चलो इस हेड को भी उसके पहना देते हैं और की ले लेते हैं। इस ये की ले ली, पूरे शरीर पे उसे कहीं पे भी मार दो उस आइसक्रीम वाले को, उसे कुछ नहीं होता, सिर्फ उसे हेड पे मत मारो। सॉरी ये थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा है यहाँ पे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अब आइसक्रीम वाला दिख नहीं रहा, आइसक्रीम वाला वहाँ पे है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है देखते हैं। अटक गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले आवाज़ करते हो हमारी तरफ बुलाते उसे, तो ये आवाज़ की जल्दी हमारी तरफ आएगा। अभी आ रहा है भागता भागता, इसको यहाँ से पहले दूर ले जाते हैं हम, ताकि वो हमें उस वैन के अंदर जाते हुए ना देखे जिसकी ये की है। तो जल्दी से आ जा और थोड़ा सा दूर। हाँ बढ़िया, हेड शॉट। तो ये हो गया पट से हेड शॉट, और अब जाते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक और हॉर्स मिलेगा, तो इस जैसे हमें ये हॉर्स मिल गया एरा, तो हमारे पास हो गए ये पूरे तीन हॉर्स, और एक हॉर्स वहाँ पर लगा दिया है हमने, तो इस हिसाब से हमारे पास पूरे चार हॉर्स आ गए हैं। तो अब हम सारे हॉर्सों को अब उस बॉक्स के ऊपर लगा देंगे, जिससे ना हमें की मिल जाएगी, हमारी केज की, जिससे हम उसे बाहर से निकाल देंगे। तो सबसे पहले जाते हैं अब हम सीधा कैंपिंग, ताकि हम आज़ाद कर सकें और इस गेम को ख़त्म कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नया नया चैनल है सपोर्ट कीजिए। और ये है दिसंबर 1955, उसकी मॉम ने इसको अपने 15वें जन्मदिन के ऊपर लेटर लिखा है, वो आ नहीं सकती तो इसको आने के लिए बोल रही है। ये 16th बर्थडे, वापस उसकी मॉम ने आई लेटर दिया और बोल रही है कि वो क्रॉड उसके माँ के पास जाए, ठीक है। 17th बर्थडे पर भी सेम लेटर, सेम बुला रही अपने पास। 18th बर्थडे पर भी, 19th पे भी, 20th, 21, 22, 23, 24, 25 एक बुक भी दे दी उसे अपने पास, कोई भी बर्थडे पे उसके पास नहीं आई वो, और अपने उसके 25 बर्थडे पे उसके बुक दे दी है। एक लड़का जो अपनी बिना माँ के रह रहा है वो कर भी क्या सकता है आगे जाके, बेचारा। अब ये कैसी पेंटिंग है, ये पेंटिंग बता रहे हैं अब।
as your most precious asset. For I will reveal a secret that only Joseph Sullivan knew. Yeah, he stole it from me. But father. Now I can't give it to you. Thanks to the fact ये जो आइसक्रीम का पूरा शेप है ना ये पूरा कंप्लीट है लेकिन जब ये क्रॉड ने उसे पहना था ना तब आधा कटा हुआ था ये लिक्विड है ये लिक्विड पता नहीं किस चीज का लिक्विड है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर देखते हैं ये सन है तो इवल नन और ये उसके साथ इसकी एक बहन भी थी उस लास्ट फोटो में तो चलिए अब आ गए हैं कैंपिंग के ऊपर वहाँ पे वो उस ट्री हाउस के अंदर हमें सारी चीज़ें अब डालनी होगी मतलब सारे हॉर्स रखने होंगे अभी पहले एक एक करके हॉर्स उस छेद के अंदर डाल देते हैं और फिर उसके बाद आगे देखेंगे ये अटक गया मैं यहाँ लीज और इन दोनों मोटों के बीच में अटक गया मैं ये निकल जाऊँगा मैं तो बात नहीं अभी निकल जाऊँगा मैं थोड़ा सा खड़ा ये निकल गया ठीक है अब देखते हैं हॉर्स अभी मेरे हाथ के अंदर है तो अभी सबसे पहले इसको हटाते हैं और ये हटाया हाथ नहीं आ रहा क्रॉड इसको यहाँ पर थ्रो कर देते हैं अब क्रॉड यहाँ पर नहीं आ रहा अभी कोई बात नहीं बस सबसे पहले उन दोनों हॉर्स को भी वहाँ अंदर डाल देते हैं अगर क्रॉड आया तो इस हॉट से ही उसे हेडशॉट दूंगा मैं तो सबसे पहले यहाँ क्रॉड नहीं आ रहा अच्छी बात है नहीं आ रहा अब यहाँ अंदर डाल देते हैं ये भी गया अंदर अब उस लास्ट हॉर्स को भी अब डालना है अब उस ये लास्ट हॉर्स भी आ गया ये जल्दी हाँ ग्रीन हॉर्स अब इन सारे हॉर्सों को वहाँ उस बॉक्स के ऊपर लगा के केश की मिल जाएगी हमें तो बढ़िया केश की मिल जाएगी तो ये केश की मिल गई केश की अब मिलेगी मतलब सारे हॉर्स अब लगा दूंगा तो केश की मिल जाएगी तो ये एक और हॉर्स ग्रीन हॉर्स लग गया दो हॉर्स बाकी है अभी उस क्रॉड ने देख लिया हमें शेट उसकी आवाज़ आई अभी तो ये हॉर्स लेते हैं सबसे पहले उसका आने का वेट करते हैं हेडशॉट देते हैं सबसे पहले ये हेडशॉट साइड में से गया पर तो भी हेडशॉट तो मार दिया उसे एक और ये हॉर्स ले लेते सबसे पहले और उसे बाहर बुलाते हैं जल्दी देख ले पीछे पीछे खड़ा हूँ मैं मतलब बैठा हूँ पीछे क्रॉड हाँ ये आ गया और उसे यहाँ पीछे ले जाते हैं आग के पास ये रहा हाँ उस कैंप फायर हाँ याद आ गया कैंप फायर के पास ले जाते हैं और हेडशॉट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है मतलब घर वगैरह है तो हमें देख नहीं पाएगा ऊपर चढ़ते हुए ले लेते हैं और हम जाते हैं सीधा ऊपर वहाँ पे टेंट हाउस में तो टेंट कैंप हाउस टेंट हाउस वो ट्री हाउस तो इस ट्री हाउस के ऊपर जाते हैं ये एक और हॉर्स लग गया अब लास्ट हॉर्स बाकी है तो जल्दी से रेड हॉर्स वुडन रेड हॉर्स वैसे रेड हॉर्स मुझे ब्राउन लग रहा है देखने के अंदर कोई बात नहीं जल्दी से ऊपर जाते हैं अब ये लगा दिया ये मिल गई केज की अब जाते हैं वैसे क्रॉड अलग अलग जगहों पे रखता क्यों है की ये क्या अटक गया मैं वापस तो ये हाँ नीचे आ गया तो सब तो ये जल्दी से जाते हैं नीचे झुकते हैं और हाँ निकल आए हम बाहर अब ये रहा क्रॉड इसको इस की से ही हेडशॉट दूंगा मैं अभी अब हाँ ठीक है अब हेडशॉट अब मैं जाऊंगा गाड़ी के अंदर और नेबरहुड ताकि ये गेम अब ख़त्म हो सके तो गाइस ये गेम अब ख़त्म हो गया है तो अब सीधा चलते हैं नेबरहुड में ये हो गया नेबरहुड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको ये मेरा फेस ये स्केलेटन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ मैं इसे रखूँ या ना रखूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो ये खुल गया है ये आइसक्रीम वैन और ये हाँ तुम सब बहुत अच्छी टीम हो जल्दी से निकलो मैं आइसक्रीम वाला देख लेगा आ गया आइसक्रीम वाला आप लोगों ने नोटिस किया जब जैसे उस आइसक्रीम वाले ने उसे जमाने की कोशिश की उनको ये लिक्विड गिरा
इस लिक्विड को पुरानी उस वो पेंटिंग के ऊपर था वो लिक्विड, ये लिक्विड उठाते हैं अब बाहर निकलते हैं ताकि ये पकड़ ना ले। तो गाइज फाइनली ये वाला गेम भी ख़त्म हुआ। अब आइसक्रीम 4 जब भी आएगा तब ये गेम, मतलब आइसक्रीम 4 आएगा तब सबको बचा लूँगा मैं। सो इट्स ओवर गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस स्केलेटन फेस को यूज़ करूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए।